आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि मार्केट से फीड अगर किसान खरीद नहीं सकता है मगर दाना भी अच्छा खिलाना है और घर में तैयार करके उसी क्वालिटी का थोड़ा सा ऊपर नीचे फीड बना के कैसे तैयार करें जिसकी कॉस्ट भी कम आए। साथ ही यह भी जानेंगे कि पूरे दिन का रूटीन मुर्गियों का क्या क्या रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अबू बकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज हम ग्रीन फोडर में हमारे खेत पर जो घास उगी है बारिश के पानी से, हम वो लगाएंगे। हमारी सारी देसी मुर्गियां ग्रीन फोडर का इंतज़ार कर रही है। कल हमने ग्रीन फोडर यहां से लिया था, आज बारी है यहां से लेने की। ये हमने जमा कर लिया है इतना सारा ग्रीन फोडर, अभी इसे ले जाकर रख देंगे, अभी हम लगाएंगे नहीं। ये हमने यहाँ रखा है, अभी हम चलते हैं अभी फार्म की तरफ। आज हमारी बारी है सीआरडी का काढ़ा लगाने की। हम हफ्ता में एक बार सीआरडी का काढ़ा लगाते हैं। ये हमारा काढ़ा गर्म हो रहा है, सीआरडी काढ़ा। ये पानी के बर्तन धुलकर रेडी हो गए। सीआरडी काढ़ा किस तरह बनाते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आएगा, देख लीजिए। अगर हम पहले ग्रीन फोडर लगा देते हैं और फिर बाद में सीआरडी काढ़ा रखते हैं तो ये मुर्गियाँ ग्रीन फोडर में 99% पानी होता है तो पानी पीती नहीं बाद में, इसलिए हमने अभी सीआरडी काढ़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर इन्हें ग्रीन फोडर रखेंगे। हमने आज सुबह ग्रीन फोडर में बारिश की वजह से जो घास उग जाती है खेत में, हमने वो घास लगाई थी आज। हमारी सारी मुर्गियों ने उसे बहुत अच्छे से खाया है। दोपहर के बज रहे हैं 3, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। आज भी बारिश का मौसम बन गया है। हमने आज हमारे शेड के अंदर चूना लगाया है। बारिश की वजह से आज का तीसरा दिन है, फार्म में गीलापन नमी ख़त्म नहीं हो रही है, इसलिए हमें आज 3 दिन एक सरी का चूना लगाना पड़ा है। चूना पाउडर का छिड़काव किया है हमने। आज हम हमारी मुर्गियों को जो चावल घर से बनाकर लाते हैं वो हमारे शेड के अंदर देंगे। बाहर बारिश चालू हो रही है। ये हमारे चावल बने हुए हैं। इस तरह आज हमने हमारे फार्म के अंदर की साफ़ सफाई की और चूना पाउडर का छिड़काव किया। इस तरह हमने आज हमारी देसी मुर्गियों को घर से जो चावल बनाकर लाए थे तो हमारे शेड के अंदर के हिस्से में जो दाने के फीडर है उसके अंदर खिलाया है। शाम के बज रहे हैं 4, हमारी देसी मुर्गियाँ बाहर ही है अभी फ्री रेंज में। बारिश के थोड़े एक दो छींटे आए थे इस वजह से हमने दोपहर में 3 बजे चावल हमारे शेड के अंदर खिलाया था, मगर अभी हमारी सारी मुर्गियाँ फ्री रेंज में बाहर है। आज हम हमारा फीड मिक्स करने वाले हैं, तो हम फीड मिक्स करते टाइम हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको बताते हैं। ये हमने ले लिया है सबसे पहले मक्का 70 kg, उसके बाद ये लाए हमने गोदरेज का फीड है 50 kg, ये फीड है। ये मक्का की क्वालिटी देख सकते हैं आप। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है नीचे टाट पत्री बिछाने की, इस पर हम फीड मिक्स करेंगे। फिर हमने ये लाया है मच्छी का चूरा। फिर ये हमारे पास बाजरा, ये हमने लाया है 12 kg, और ये मच्छी का चूरा लाया है हमने 2 kg। ये हमारे पास 100 ग्राम का मीठे सोडे का पैकेट, उसके बाद है ये नमक, और ये हम मिक्स करेंगे मार्बल का 0 साइज चूरा। और हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हमारा काटा, वज़न काटा। हम इस पर वज़न करेंगे मार्बल का चूरा, नमक और मीठे सोडे का, और यहाँ पर मिक्स करेंगे। बाकी सब तो हमारा तुला हुआ है, चलते आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैंने आधा मक्का यहाँ फैला दिया हूँ,
अब इसके ऊपर हम आधा फीड फैलाएंगे। मके पर हमने डाला है इस तरह आधा फीड, इसके ऊपर अब बाजरा डालेंगे आधा। फिर हमने ये बाजरा डाला है इसके ऊपर, नीचे मक्का है, फीड है, फिर उसके ऊपर बाजरा डाला है। अब इस तरह से इसमें से हमने मच्छी का चूरा, फिर अब इसके ऊपर हम डालेंगे अभी मक्का। ये जो मक्का बचा हुआ था हमने आधा मक्का पूरा इसमें पलटा दिया है। अभी अब बारी है फीड डालने की। आधा जो फीड बचा हुआ था तो इस तरह हमने हमारा फीड डाल दिया है ऊपर। अब हम डालेंगे जो बाजरा बचा हुआ है हमारा। ये हमारे बाजरे की थैली भी खाली हो गई है, हमने बाजरा डाल दिया है। अब बारी है राइस ब्रैन बचा हुआ, ये हमारा टोकरा भी खाली हो गया है, हमने इसमें डाल दिया है सारा। ये 100 ग्राम का पैकेट है मीठे सोडे का। 100 ग्राम हम नमक लेंगे तोलकर, और 100 ग्राम लेंगे मार्बल टुकड़ा। 100 ग्राम ये नमक लिया है हमने। फिर 100 ग्राम लिया है मार्बल का चूरा। अब 100 ग्राम ये मीठा सोडा मिला देंगे। अब ये टप में हमारा 100 ग्राम मीठा सोडा खाने का, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम मार्बल टुकड़ा। अब ये सब थोड़ा थोड़ा सब जगह हम इसको फैला देंगे। इस तरह से हमने सब डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से अपने हाथ से मिक्स कर देंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत है भैया ये फीड मिक्स करने की। अभी इधर से उधर, उधर से इधर हमने सारा मिक्स कर दिया है। अभी एक पलटी बाकी है, मेहनत तो करना पड़ेंगे भैया। सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। ये हो गए भैया उधर, ये हमने दे दिए इसे अब आखिरी पलटी। अब बारी है इसे गोनी में भर के रखने की। ये हो गया हमारा फीड रेडी। इसे गोनी में भरने से पहले अभी हम थोड़ा हिसाब जोड़ लेते हैं। हमने कंपनी का गोदरेज का फिनिशर लिया 50 kg 1750 रुपये का। 70 kg हमने क्रैश किया हुआ मक्का लिया 31 से 70 kg मक्का। फिर हमने तीसरे नंबर पे लिया है बाजरा, 12 किलो बाजरा है 28 से 12 किलो बाजरा। मच्छी का चूरा हमने मिलाया इसमें 2 kg 40 का 1 kg है। 100 ग्राम इसमें मीठा सोडा लिया है 20 का 100 ग्राम है। 100 ग्राम मार्बल चूरा है इसमें, मार्बल चूरा है 15 kg। फिर हमने 100 ग्राम लिया है खाने का नमक, नमक है 10 kg। तो सारी सामग्री को एकत्रित करके जोड़ते हैं तो 134 किलो 300 ग्राम सारा आइटम हुआ, और इसकी जो कॉस्ट आई वो आई 4358.50 रुपये। और 4358.50 रुपये को 134 किलो 300 ग्राम में भाग दे देते हैं तो 32.45 रुपये पर केजी यह फीड पड़ा। तो इस प्रकार से बहुत सारे किसान फीड की बचत करने की छोटी छोटी कोशिश करते हैं और जुगाड़ वाला अच्छा फीड बनाकर अपनी मुर्गियों को देते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।